Okay, so we completed our chocolate fudge class. This summer it's very very hot. तो fudge class आपके लिए best और ideal class है. Specially क्योंकि fudge कभी melt नहीं होती है. मैंने काफी महीनों के बाद की है fudge. I think मेरी last class February में हुई थी. Okay, she's aware. तो last class February में हुई थी. तो after that I have done my fudge class. Because गर्मी के चक्कर में सब लोग बोल रहे हैं कि chocolates melt हो रहे हैं. So why not come up with something which doesn't melt? ठीक है. तो आज हमने fudge class choose की. समर्स के टाइम ही सो दैट आपका मैंगो सीजन भी हो जाए और समर्स में आपके चॉकलेट फज मेल्ट भी नहीं हो. ठीक है. फज इज वेरी सॉफ्ट चूई मेल्ट इन द माउथ. जैसे मैंने आपको दिखाया ये टेक्सचर आपका वैसा ही सॉफ्ट रहेगा. कैन यू सी हाउ सॉफ्ट इज गेटिंग नाउ. दिख रहा है आपको कितना सॉफ्ट हो गया. ये सॉफ्ट और चूई रहता है. चॉकलेट की तरह नहीं रहती. आपकी चॉकलेट मिठाई जो हमने कल बनाई वो टोटली अलग थी. वो हार्ड रहती है. ये कट करने में भी आपको एक सॉफ्ट टच देता है. ठीक है. तो दैट्स व्हाई चॉकलेट फज इज कंसिडर्ड एज अ कुक्ड कन्फेक्शनरी. आई हैव गिवन ट्रेडिशनल फ्लेवर्स. इसके फ्लेवर्स मैंने इस तरह से किया तो आपका मिठाई लुक आ जाए. ठीक है. तो आपको आज मैंने एक्चुअली इंडियन स्टाइल्स प्लस आपके इंटरनेशनल वेस्टर्न फ्लेवर्स भी दिए हैं. जैसे बबल गम हो गया. बबल गम आपका एक अलग वैरायटी हो गई. ठीक है. आज हमने बबल गम फज भी की. काफ़ी अच्छे कलर्स किए. ये देखिए, ये देखो इस तरह से आपका ये बबल गम फज किया मिक्स कलर्स के साथ. ये आपके यहाँ काफ़ी अच्छा जाएगा रक्षाबंधन में. बिकॉज ये फज आपका अट्रैक्टिव लगेगा तो बच्चे डेफिनेटली विल लाइक टू हैव दीज इन देयर हैम्पर्स. फिर हमने बनाए आज दो टाइप के फ्लोरेंटीन फज. वो है पान और ठंडाई. ठीक है. इस तरह से ठंडाई और पान का हमने राउंड मोल्ड में बनाया. तो दैट्स व्हाई आई कॉल दैट फ्लोरेंटीन. यहाँ पे हमने बनाई डुअल फॉर्म में रोज एंड मैंगो. सो रोज एंड मैंगो फज, मैंगो पापड़, आम पापड़ एंड पिस्ता फज. ये आपका हो गया बिस्कॉफ फज. जो हमने बिस्कॉफ को अंदर और बाहर प्लस अंदर एक्चुअली इनसाइड आउटसाइड एंड टॉप. ओके. तो ये आपकी लोटस बिस्कॉफ फज. मैंगो फज थोड़ा डेकोरेशन करके हमने बनाई मैंगो फज. रोज पिस्ताशो, ओनली रोज पिस्ताशो विदाउट मैंगो. ठीक है. नेक्स्ट हमने बनाई पान फज, जो हमने रेक्टेंगुलर शेप में बनाई है आज. तो ये आपकी पान फज हो गई. पान शाही पान मुकवास फज. ठंडाई फज विद सौंफ, मिक्स ड्राई फ्रूट्स, रोज पेटल्स. रेड वेलवेट फज. ओके. रेड वेलवेट फज में भी हमने मस्त ग्लिटर दिया है, एनहांस किया है चॉकलेट के पेटल्स को, चॉकलेट फज के पेटल्स को. ठीक है. देन ब्राजीलियन फज, जिसको ब्रिगेड एरोज भी बोलते हैं, थ्री इंग्रीडियंट फज ट्रफल्स भी बोलते हैं, मिक्स सीड्स, स्प्रिंकल्स, मिक्स ड्राई फ्रूट्स एंड कोको पाउडर. इसके साथ हमारे ब्राजीलियन फज रेडी हो गई. नेक्स्ट आपका डार्क चॉकलेट वॉलनट आमंड फज, जो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें दो टाइप के लेयर्स है. हमने आज किया दो लेयर्स, जो है चॉकलेट एंड फज. ओके. इट्स अ वेरी सॉफ्ट फज राइट नाउ. मैंने ये निकाला नहीं है बट आप देखोगे यहाँ पे हमारी दो लेयर्स है. ठीक है. फज की और डार्क चॉकलेट की. एंड इसको इस तरह से हमने चॉकलेट के बॉक्स में प्रेजेंट किया. सो दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड डिफरेंट फज. बॉक्स में भी आपको मैंने बताया कि किस तरह से बॉक्स में प्रेजेंटेशन देना है इस फज का. आपको प्रैक्टिस करना है कि कौन सी फज आपको फर्स्ट इंट्रोड्यूस करनी है, सेकेंड इंट्रोड्यूस करनी है. फिर उस हिसाब से आप डिसाइड करो कि विच इज योर बेस्ट फज विच इज कमिंग आउट. क्लाइंट्स को कैसे पसंद आ रहे हैं. ठीक है. हमने प्राइसिंग निकाल दी, कॉस्टिंग निकाल दी. मिठाई की तरह ही है बट थोड़ी मिठाई से महंगी होगी. इसकी कल मिठाई की तरह रैपिंग करे थे वैसे ही करनी है. रेनबो कटआउट से, जो हमारी रेनबो कटआउट थी उसी के साथ सेम पैक करनी है. डू नॉट पैक इट इन एल्यूमिनियम फॉइल. ऑलवेज ट्रांसपेरेंट पैकिंग जस्ट लाइक योर मिठाई चॉकलेट्स. कल हमने किशोर जी, जो हमने कल फज पैक मिठाई चॉकलेट रैप की थी ना, वो पेपर के साथ जो शाइनी वाली पेपर थी प्लास्टिक, उसके साथ आपको रैप करने आपके फज. ठीक है. तब जाके आपका वो फज का लुक अच्छा आएगा क्योंकि वो दिखना चाहिए. ठीक है. हाँ, इसका रेसिपी का जो मेथड है ना, जस्ट चेक दैट आउट. या आई विल जस्ट चेंज इट एंड देन मेक द मेथड एंड सेंड यू अगेन. ठीक है. आई विल रीसेंड यू द मेथड अगेन. उसमें ना डबल डबल लिखा हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है. आई विल चेंज इट. मैं आपको भेज देती हूँ सेपरेटली सबको. ओके.
ठीक है, इस तरह से आई हैड 3 स्टूडेंट्स ऑनलाइन, आई हैड राजकोट, इंदौर एंड मुंबई, एंड ऑफ कोर्स माय ओल्ड स्टूडेंट बैक फ्रॉम पुणे. ओके, सो शी इज हियर बैक फॉर फज क्लास बिकॉज शी वाज वेटिंग टू डू दिस फज क्लास सिंस वन ईयर. ओके किशोर जी, कैसा लगा आज का क्लास? आपने मेरी बेसिक सेंटर्स की, कल की और आज की, अब तक 3 क्लासेस में कौन सी आपको बेस्ट लगी? मिठाई की, कल की. अच्छा, ग्रेट. ठीक है, तो मिठाई के बाद फिर ये अभी फिर आपकी प्रीमियम रेंज भी है वो 29th को, वो बताना फिर उसकी कैसी लगेगी. ठीक है बेला, हाउ वाज इट, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस यस्टरडे एंड टुडे? आई एंजॉयड क्लास टुडे मोर. या ग्रेट, सो इट्स गेटिंग फैमिलियर टू यू. यस, थैंक यू. Thank you. Yes, you'll get more familiar when you keep sending me pictures and WhatsApping me all the time. Yeah. Gauri, her classes are always value for money. Thank you. That's why the third class I'm doing. I already did her chocolate mithai class. I did her premium range chocolates. I now was waiting for this since 1 year. Yeah, value for money class. Yeah. And she always comes up with innovative recipes. Thank you very much. Thank you.